हे माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एम्प्लॉइज़ और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, अभी आप ये देख रहे होंगे कि मैंने एम्प्लॉइज़ और स्लैश वर्कमैन क्यों लिखा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ही सिलेबस में मेंशन करके पढ़ाया जा रहा है। जबकि द फैक्ट दैट इन 2010 अमेंडमेंट आया था जिसमें वर्कमैन को रिप्लेस किया था एम्प्लॉय से। और आप अब अगर कभी ऐसे एक्ट को गूगल करके ढूंढोगे भी तो आपको एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट मिलेगा। तो कई बार ये कन्फ्यूज़न भी होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ ये कंपनसेशन एक्ट है या वर्कमैन कंपनसेशन। तो रीज़न, वर्कमैन जेंडर न्यूट्रल नहीं था, इट रिलेट टू मेल ओनली। तो फीमेल्स मतलब कि महिलाओं पे ये अप्लाई होता हुआ नहीं लगता था, ऑब्जेक्शन था। तो उस एम्बिगुइटी को दूर करने के, इसको जेंडर न्यूट्रल करने के लिए एम्प्लॉय वर्ड का इस्तेमाल किया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाई दिस कंपनसेशन एक्ट इज़ रिक्वायर्ड एंड स्पेसिफिकली 1923 व्हेन द ब्रिटिश राज इज़ देयर, राइट। तो ये इतनी पुरानी एक लेजिस्लेशन है और ये तब बनी जब इंडिया आज़ाद भी नहीं था। और आप ये देखिए कि उस समय पे ये नीड फील हो गई थी, तो कारण क्या रहा होगा? इससे पहले फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 था इस तरह की इंजरीज़ की कंपनसेशन के लिए, लेकिन वो सिर्फ रोड पे होने वाले फैटल एक्सीडेंट के लिए प्रोविज़न बता रहा था। वर्कर्स स्पेसिफिक कोई प्रोविज़न एज सच नहीं थी विद इन द प्रोमाइसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे भी फैक्ट्री है, माइंस हैं, ऑयल फील्ड है, पोर्ट है, अदर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट हैं, वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं। और आप ये देखिए उस समय जब आया, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुआ था, मशीनें आ रही थी, इस्तेमाल की जा रही थी, जिनकी जो वर्किंग है वो लोग इतना मतलब एक यूज टू नहीं थे। टेक्नोलॉजी का नया नया कुछ इंक्लूजन था। तो वहाँ पे होता क्या था, ड्यूरिंग द वर्क एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इंजरीज हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। एंड हालात इतने पथेटिक थे कि एट दैट टाइम जो इंस्पेक्टर होते थे, इवन सम एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़, सम काइंड ऑफ ग्रुप्स एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑब्जर्व दिस सिचुएशन एंड दीज इंस्पेक्टर्स हु विजिट द माइंस एंड द फैक्ट्रीज एटसेट्रा एरिया, द पथेटिक कंडीशन ऑफ वर्कर्स, लाइक इतनी इंजरी हो रही है मगर कोई कंपनसेशन नहीं है, बॉडी डिसेबल हो गई है परमानेंटली बट देर इज़ नो कंपनसेशन, दैन द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव एक्साइट टू दिस सिचुएशन एंड लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, द इंस्पेक्टर्स, इंश्योरर्स, बनी कमेटी बनी जिसमें सब ने मिल के ये मंथन करा और उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये एक्ट आया। ठीक है, नाउ दिस एक्ट टॉक अबाउट व्हाट, मेन अगर हम बात करें तो ये जो एक्ट है ना, ये बता रहा है कि कंपनसेशन कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, नंबर वन थिंग। सेकेंड, कंपनसेशन का कैलकुलेशन क्या होगा। ठीक है, थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन कैसे होगा। फोर्थ, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है फैक्ट्री में तो उस एक्सीडेंट को जिसकी वजह से इंजरी या डेथ हुई है उसका रिपोर्टिंग करना किसका काम है, यानी क्या एम्प्लॉय को बताना ज़रूरी है, और बताना है तो कब बताना है, द नोटिसेस एंड क्लेम्स, राइट। उसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन कौन कराएगा, कब कराएगा, अगर ऐसी कोई इंजरी हो जाती है तो। ठीक है, उसके अलावा देयर इज़ कमिश्नर ऑल्सो, क्योंकि अगर इंजरी हो रही है और कोई उन इश्यूज़ को सुनने वाला ही नहीं है तो ये तो वही बात होगी ना, दिस इज़ एक्ट विदाउट द टीथ, नो पर्सन इज़ देयर हु हियर द डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिगार्डिंग द कंपनसेशन, तो फिर क्या बेनिफिट होएगा। तो कमिश्नर इज़ देयर, कमिश्नर की एक डिटेलिंग है कि वो उनकी पावर क्या है, ज्यूडिक्शन क्या है, हाउ द प्रोसीजर इज देयर एंड द अपील
ऑब्वियसली अपील होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्ट है ना, ये मोटा मोटा मतलब इन सब चीज़ों को डील करता है और हम इसी को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले सी मैं डेफिनेशंस वगैरह और जनरल अबाउट एक्ट नहीं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ, उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, आप उसमें देख लेना, सभी डेफिनेशन को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैं जो मेन जो स्ट्रक्चर है ना एक्ट का डील करता है, तो सेक्शन 3 से स्टार्ट कर देते हैं। सेक्शन 3 जो हमारा है वो ये बात कर रहा है कि जो कंपनसेशन है ना कब मिलेगा, कंपनसेशन कब मिलेगा। सेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर किसी एम्प्लॉय का, देखो सबसे पहले क्या है, किसी भी एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए, इंजरी होनी चाहिए उसको, राइट, और डेथ होनी चाहिए। और ये डेथ और इंजरी कैसे होनी चाहिए, एक्सीडेंट से होनी चाहिए, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और एम्प्लॉय को इंजरी हो गई या दिस इज अ पर्सनल इंजरी, मतलब उसके पर्सन पे पर्सनल इंजरी या डेथ हो गई है ड्यू टू द एक्सीडेंट हुई, और ये जो एक्सीडेंट है ना ये हुआ कैसे है, अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ किसके एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये एक बेसिक है जो हमारा जो सेक्शन 3 है उसका सब सेक्शन 1 है ये बात कर रहा है इसकी, कि जब भी किसी एम्प्लॉय को इंजरी हो जाती है ड्यू टू एनी एक्सीडेंट या उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू दैट एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, क्या वो वहाँ हुआ है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, यानी अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ जो चीज़ है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी ये टाइम और प्लेस को बता रहा है, रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट है। नाउ दिस रिलेटेड टू, सुप्रीम कोर्ट इन नंबर ऑफ केसेस में कहता है ये जो रिलेशन है इट मस्ट बी कैजुअल, कैजुअल रिलेशन, हम कैजुअल रिलेशन और कैजुअली रिलेटेड टू। व्हाई कैजुअल, क्योंकि अगर बहुत स्पेसिफिकेशन या डिटेलिंग में या डेप्थ में जाएंगे ना तो बहुत सारे केसेस में थोड़ा बहुत इररेलेवेंसी निकल आएगी एक्ट के होने की और एक्सीडेंट की, यानी उस पर्सन को जो काम है लौट के हुआ था वो और एक्सीडेंट जो हुआ वो थोड़े से डिस्टेंट फील होंगे, तो क्या होगा, कंपनसेशन जो है वो रह जाएगा, एम्प्लॉय डिप्रीव हो जाएगा उस चीज़ से। तो ये जो है इसको थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्टली वो करने की ज़रूरत नहीं है इंटरप्रिटेट, इट इज़ लूजली इंटरप्रेटेड। तो ऐसे में अगर कुछ होता है तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है इसका रिजल्ट क्या होगा, एम्प्लॉयर जो है इज लायबल फॉर कंपनसेशन, ठीक है। और ये कंपनसेशन किसको दे देगा, एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉय को इंजरी होती है तो एम्प्लॉय को, अगर डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट्स को, राइट, उसके फैमिली मेंबर्स को। डिपेंडेंट्स आपको डेफिनेशन में पता चलेगा, एक लॉन्ग लिस्ट है, तो यानी उनको दिया जाएगा। ये तो है एक बात। नाउ क्वेश्चन अब दूसरा अराइज होता है जो कि प्रोविसो है, प्रोवाइडेड दैट, क्या प्रोवाइडेड है, ये कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, यानी ये एक मोटी स्कीम है, बेसिक स्कीम है, बेसिक प्रोविज़न है कि ऐसा कुछ होगा तो कंपनसेशन विल बी गिवन टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। बट यहाँ पे कुछ प्रोविज़न बता रखी हैं, नंबर 1 कब ये कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, इट डज़ नॉट इंक्लूड दीज इवेंट्स, कि जो इंजरी है ना, इंजरी जो हुई है, क्योंकि डेथ के केस में तो डेथ हो गई, बट जो इंजरी का केस है ना, इट डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 3 डेज। देखो एक कंडीशन तो ये होगी कि 3 दिन से ज़्यादा जो इंजरी है वो नहीं चलनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, जो एम्प्लॉय है ना वो ड्रिंक और ड्रग के इन्फ्लुएंस में वो एक्ट कर रहा हो कोई और फिर एक्सीडेंट हो गया तो भी मुआवजा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि जो वर्कर हैं वो कई बार अल्कोहल इंटेक करके या कोई और नारकोटिक सब्सटेंस का इंटेक करके वो वर्क कर रहे हैं, तो हाई चांसेस हैं वो इंजरीज को खुद इनवाइट कर रहे हैं, एक्सीडेंट को
खुद इनवाइट कर रहे हैं। थर्ड जो इसमें है, विलफुल डिसोबीडियंस। से विलफुल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है? इट डज नॉट इंक्लूड द नेग्लिजेंस एंड केयरलेसनेस। इट मीन्स इट इज मच हायर देन नॉर्मल केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस। विलफुल डिफॉल्ट डिसोबीडियंस होना चाहिए। ये जो अगली जो प्रोविज़न है उसमें ये विलफुल डिसोबीडियंस सेम है। इसका मतलब है विलफुल डिसोबीडियंस किस चीज़ का? रूल्स और इंस्ट्रक्शंस। एम्प्लॉयर ने कोई रूल्स फ्रेम कर रखे हैं, उन रूल का डिसोबीडियंस करना, कोई उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी स्पेसिफिकली उसका डिसोबीडियंस करना। और जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ सेफ्टी गार्ड्स मेजर्स। और यहाँ पे विलफुल डिसोबीडियंस या विलफुल रिमूवल ऑफ व्हीकल कहा जाएगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल माइंस के वर्कर हैं, उनको कहा जाता है भाई वो आप वो वाला हेलमेट डालो जो प्रिस्क्राइब है उनके लिए। अब मान लो माइनिंग वर्क इज़ देयर एंड द वर्कमैन इज नॉट वेयरिंग द हेड गियर और द अदर काइंड ऑफ सेफ्टी जैकेट्स हो सकती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ बूट हो सकते हैं, हैंड्स के लिए कोई स्पेशल टाइप ऑफ ग्लव्स हो सकते हैं, पर्टिकुलर कोई ड्रेस हो सकती है, राइट? इवन सर्टन एरियाज वेयर द नेट इज रिक्वायर फॉर कवरिंग द माउथ, राइट? समवेयर जहाँ पे लाइक वेल्डिंग के वर्क होते हैं तो यू हैव टू वेयर दैट ग्लास ना। तो इस तरह के सेफ्टी गियर्स या जो सेफ्टी गार्ड्स हैं उनको या तो वो पहने नहीं या फिर वो रिमूव कर दे। तो अगर उस वजह से कोई इंजरी होती है तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द कंपनसेशन, राइट? और इसके अलावा ये तो इसमें मेंशन नहीं है, ईएसआई एक्ट है आपका 1948। दिस ईएसआई एक्ट मींस एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो अगर इनमें से कोई एम्प्लॉयमेंट ईएसआई एक्ट के अंदर आती है तो ये प्रोविज़न वहाँ पे लागू नहीं होंगी। यानी अगर एक एम्प्लॉई ने ईएसआई एक्ट के तहत अगर ले लिया है कंपनसेशन इंश्योरेंस के तहत उस एक्ट के अंदर, या एम्प्लॉयमेंट वहाँ आ रही है और एम्प्लॉई ने ले लिया है, तो फिर ये जो कंपनसेशन है यहाँ ये नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है। अब एक तो ये चीज़ हो गई, यू कैन सी, और अब ब्रेक डाउन करके पढ़ा तो कितना अच्छा सा समझ में आ रहा है। दूसरी, क्योंकि हमारा जो सेक्शन 3 है ना वो सिर्फ इंजरीज और एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा है, यानी दो चीज़ें होगी ना, एक तो हमने सब सेक्शन 1 में पढ़ लिया कि कोई इंजरी या डेथ की बात हो रही है ड्यू टू द एक्सीडेंट। जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 है वो किस चीज़ की बात कर रहा है? वो कर रहा है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की। और जो ये इंजरीज और इनकी टाइप है ये हमारे शेड्यूल 1 में है, 2 में गिवन है इनके, पार्ट ए पार्ट बी है, और वहाँ पे लिस्ट बता रखी है कि कौन सी इंजरी किस टाइप की है। तो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। ऑक्यूपेशनल जो डिजीज़ हैं वो शेड्यूल 3 में मेंशन है, ठीक है? शेड्यूल्स आर अनेक्स्ड विद द एक्ट, राइट? वहाँ पे आप ज़रूर देखना कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, एम्प्लॉयमेंट कौन कौन सी है 1 में, इंजरीज कौन कौन सी इसमें आती है, यानी हजार्डस हो सकती है, नॉर्मल होती है, फिर उसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशनल डिजीज़। नाउ वन क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशनल डिजीज़? एनी इन्फर्मिटी दैट अराइजेज ड्यू टू द वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट और दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। जैसे आपने सुना होगा सॉल्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जो वर्कर काम करते हैं उनको बहुत समय तक सॉल्टी वाटर में खड़ा रहना पड़ता है, इससे उनके पाँव जो है वो सूज जाते हैं, गल जाते हैं, एंड ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इवन जब वो उस वर्क से रिटायर होते हैं लाइफ टाइम उनको वो चीज़ एक परेशान करती है, उनके पाँव डिफॉर्म हो जाते हैं, राइट? आपने बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सुना होगा जहाँ पे नॉक्शियस सब्सटेंसेस होते हैं, पॉइजनस गैसेस होती हैं, पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फ्यूम्स निकल रहे होते हैं, हाई टेम्परेचर होते हैं, लो टेम्परेचर होते हैं,
ड्यू इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और द स्टोरिंग प्रोसेसेस। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको लंग्स की डिजीज़, स्किन की डिजीज़, टाइप ऑफ कैंसर्स एंड नंबर ऑफ यू नो इन्फॉर्मिटीज़ हैं, आई लॉस हो सकते हैं, हेयरिंग इशू हो सकते हैं जहाँ पे हाई डेसिबल नॉइस पे वर्क हो रहा होता है, लॉन्ग टर्म पे वो हेयरिंग लॉस की शिकायतें बताते हैं, नंबर ऑफ टाइप। तो जो एक्सीडेंट में जहाँ बॉडीली इंजरीज होती हैं, यानी आपके इंजरीज हो गई, आपका कोई और अंग ख़राब हो गया, लाइक आपका हाथ कट गया, पाँव कट गया, हेड इंजरी हो गई, वुंड्स हो गए, कुछ फ्रैक्चर्स हो गए, एंड यू नो कई बार एम्पुटेशन ऑफ एनी लिम्ब हो जाता है, तो वो परमानेंट आप डिफॉर्म हो गए। यहाँ पे है कि दो नो सच एक्सीडेंट इज देयर बट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशन दे सफर्ड दिस डिजीज़। तो अगर किसी को ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो जाती है तो वो भी इसी कैटेगरी में आती है कि ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के लिए उसको कंपनसेशन मिलेगा। जो शेड्यूल 3 है ना, इसमें पार्ट ए बी एंड सी तीन पार्ट बता रखे हैं, टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़। तो जहाँ पे कॉमन टाइम पीरियड 6 मंथ बता रखा है, अब ये 6 मंथ किस लिए, क्योंकि एटलीस्ट 6 मंथ के लिए उस एम्प्लॉय ने उस एम्प्लॉयमेंट में, यानी जो एम्प्लॉयर वो टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन को रन कर रहा है उसमें वर्क करा होना चाहिए। इट इज़ द मिनिमम टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम ऑफ वर्किंग 6 मंथ है। लेकिन जो बी हैं उसमें क्या कह रखा है, ये कह रहा है 6 मंथ इन एम्प्लॉयमेंट, या ये जो एम्प्लॉयमेंट है ना अंडर एम्प्लॉयर, एक ही एम्प्लॉयर, बी क्या कह रहा है मोर देन वन, राइट, और सी क्या कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है स्पेसिफाई करेगी टाइम पीरियड कि कितने समय कंटिन्यूसली वर्क है। तो आप देखोगे पार्ट सी को जब आप देखोगे तो कुछ डिजीज ऐसी हैं जिनको डेवलप होने में काफ़ी समय लगता है। आप देखोगे कहीं पे 7 साल का टाइम पीरियड बता रखा है, कहीं पे 4 साल है, 5 साल है, 3 साल है, जबकि ए में कुछ ऐसी डिजीज हैं जो 6 मंथ के टाइम पीरियड, मतलब होते होते 6 महीने लग जाता है, लेकिन हो सकती हैं। कोई डिजीज़ ऐसी हैं जो इतना जल्दी नहीं हो सकती हैं कि आप गए आपने एम्प्लॉयमेंट शुरू की 8 ही महीने में आपको डिजीज़ डेवलप होगी। सो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ डिजीज़ हाउ इट टेक प्लेस और व्हेन इट यू नो अकर, किसी भी एम्प्लॉय को कब अफेक्ट करेगी, इस क्लासिफिकेशन पे गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन कर रखी है पार्ट ए बी सी की। लेकिन जहाँ पे मान लो एम्प्लॉयमेंट 6 मंथ की मिनिमम है लेकिन एक एम्प्लॉयर के अंडर नहीं है तो क्या होगा, तो हमारा ये एक्ट क्या कह रहा है, 3 में ही फर्दर प्रोविजंस हैं, वो क्या बता रही हैं कि अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर हैं तो कलेक्टिवली 6 मंथ उनका माना जाएगा। ऐसा नहीं है मान लो एक एम्प्लॉयर ने एक जगह काम किया, सेम एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, फिर उसने दूसरा एम्प्लॉयर बदल गया 4 महीने बाद, फिर वो एक दूसरे एम्प्लॉयर के पास चला गया, वहाँ उसको डिजीज़ जो है वो दिखनी शुरू हुई, सिम्टम्स, राइट। तो अब ये नेसेसरी नहीं है कि जो दूसरा एम्प्लॉयर है उसके वहाँ से उसको इम्पैक्ट हुआ है, जो पहला है उसके वहाँ से हुआ है। तो ऐसे में अगर एक एम्प्लॉयर ने, और मान लो 7 साल का टाइम पीरियड है तो एम्प्लॉयमेंट बदल ही लेते हैं, तो जहाँ एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर होते हैं सेम एम्प्लॉयमेंट में और फिर एम्प्लॉई को डिजीज़ होती है, तो ऐसे में क्या है हमारे जो कमिश्नर है ना, ही विल डिसाइड इन व्हाट प्रपोर्शन द एम्प्लॉयर, मोर देन वन एम्प्लॉयर विल पे द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉई, क्योंकि उसमें एक पे इम्पोज नहीं करा जाता, लेंथ ऑफ टाइम पीरियड देख के, टाइप ऑफ यू नो डिजीज़ देख के और हाउ द सिम्टम्स आर यू नो इवॉल्व और टेक प्लेस, तो वो डिसाइड करेगा कमिश्नर। ऑक्यूपेशनल डिजीज जो होती हैं टाइम टू टाइम गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 3 मंथ की नोटिफिकेशन, यानी मिनिमम 3 मंथ का टाइम पीरियड दे के बाय नोटिफिकेशन किसी भी डिजीज़ को ऐड कर सकती है शेड्यूल 3 में। नंबर ऑफ यू नो जैसे 1995 में भी 3 ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की और इन एम्प्लॉयमेंट को भी ऐड करा गया, यानी कोई भी एम्प्लॉयमेंट को ऐड करना इन द शेड्यूल, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को ऐड करना इन द शेड्यूल इज़ इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बाय नोटिफिकेशन ऐड कर सकती है। इवन द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो हैज़ पावर कि उनके एरिया में
अगर कोई इस तरह की एम्प्लॉयमेंट है जो न्यूली ऐड हुई है, या अब पहले उसमें कुछ 10-15 ही कर्मचारी थे पूरे स्टेट में, लेकिन अब वो बढ़ गए हैं, तो इन दैट केस जो गवर्नमेंट है उस एम्प्लॉयमेंट को ऐड कर सकती है शेड्यूल्स में। नाउ क्वेश्चन अराइज की कंपनसेशन लेने के लिए ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का, क्योंकि ऑक्यूपेशनल डिजीज़ से ये तो 6 महीने तो मिनिमम बता रहे हैं, या जहाँ लंबा समय बता ही रखा है पार्ट सी के अंदर, लेकिन फिर भी 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, और कई बार खुद एम्प्लॉई को नहीं पता चलता कि जो मुझे डिजीज़ है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, इट इज़ ऑक्यूपेशनल डिजीज़। कई बार उसको ये चीज़, उसको लगता है मैं सिक हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा व्हाई दिस सिकनेस इज़ देयर, बिकॉज ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट और सर्टन अदर रीजंस आर देयर। तो इसीलिए जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, इनके जब हम नोटिस एंड क्लेम अभी करेंगे तो टाइम पीरियड इज़ सफिशेंटली लॉन्ग। ओके, सो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का 3.2 एंड 3, ये दो सब सेक्शन डील करते हैं, ठीक है। अभी ये क्लैरिटी हो गई, क्योंकि और एक और भी बात होती है, जैसे मान लो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, लेस देन 6 महीने में ही हो गई, अब ये पता चल रहा है कि ये है तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़, बट द टाइम पीरियड मिनिमम जो 6 महीने बता रखा वो तो अभी हुआ ही नहीं, 5 ही महीने हुए, देन दिस ऑक्यूपेशनल डिजीज़ इज ट्रीटेड एज इंजरी और इंजरी ड्यू टू एक्सीडेंट इन द एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा नहीं है उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, बट इन दैट केस जो ये डिजीज़ है इसको डिजीज़ ना मान के इंजरी डीम्ड टू बी इंजरी अराइजिंग ड्यू टू द एक्सीडेंट इन द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तब भी उसको कंपनसेशन मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ ये देखो, एक प्रोविज़न तो हो गई कि एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर जो है वो कब लायबल होगा कंपनसेशन के लिए, फॉर द इंजरीज एंड डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट एंड फॉर द ऑक्यूपेशनल डिजीज। नाउ सेक्शन फोर ये कहता है कैलकुलेशन कैसे होगा ऑफ कंपनसेशन, राइट। देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक पहला क्या होगा, मतलब क्योंकि सिचुएशन अलग है, डेथ हो गई है, मान लो डेथ हो गई है, ठीक है, तो कंपनसेशन कैसे होगा, 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर, ये आरएफ क्या है, रेलेवेंट फैक्टर, और ये जो रेलेवेंट फैक्टर है ये कहाँ दिया हुआ है, शेड्यूल 4 में, जो शेड्यूल हमारा 4 है उसमें रेलेवेंट फैक्टर बता रखे हैं पार्ट 2 में, ठीक है। नाउ मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर, और ये जो मंथली वेजेस हैं ये हमारा जो एक अमेंडमेंट आया 2020 में 3rd of January, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंथली वेजेस का जो कैलकुलेशन जब करते हैं ना कंपनसेशन की, क्योंकि देखिए किसी एम्प्लॉयमेंट में जो वेजेस हैं कुछ और दी जा रही हैं, किसी में कुछ और है, और जो एम्प्लॉई है अगर वो कई बार क्या होता है उसको अभी लगे हुए 4 महीने हुए तो उसकी अभी उसको पूरी वेजेस वो नहीं मिली, वो प्रोबेशन टाइप पे चल रहा है, राइट, इस तरीके से। तो गवर्नमेंट ने क्या करा था, प्रायर टू 2020 इट इज़ 8,000 कैलकुलेट होती थी ये मंथली वेजेस, बट नाउ फॉर द पर्पस ऑफ कंपनसेशन इट इज़ इंक्रीज टू 15,000, ठीक है, तो ये हो गया। अब लेकिन यहाँ पे कैपिंग थी 1,20,000, क्या विच एवर इज मोर, तो यानी मैक्सिमम कितना, 1,20,000 का ही मुआवजा है। अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ, देखो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इसमें आपने एक चीज़ देखी है, पढ़ा है अपने लेबर कोड आ गया है, मे बी जो हमारे सिलेबस हैं वो अब रिवाइज होंगे, एंड स्टेट अपने अपने जो स्टेट्स के लिए है वो अपनी एक्ट बना रही है, अपनी लीगल प्रोविज़न बना रही है, रूल एंड रेगुलेशन जारी कर रही है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी स्टेट में वर्किंग कंडीशंस, ज्योग्राफिकल एंड अदर फैक्टर्स, इकोनॉमिकल या एरिया वाइज भी यू नो डेवलपमेंट होती है, तो वो देखती है कि कहाँ पे क्या प्रोविज़न करनी है। लेकिन फिर भी जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड है, कंपनसेशन रिगार्डिंग वर्कमैन, ये जो कंपनसेशन एक्ट है, इसकी सारी प्रोविज़न अब आप सेक्शन 72 से लेके 99 तक पढ़ पाओगे, ठीक है।
तो ये वहाँ गिवन है। अगर आप रेफ़र करना चाहो, मैं एक अलग वीडियो भी कभी बनाऊंगी इस पे, सोशल सिक्योरिटी कोड पे, जिसमें हमारे सारे लेबर जो कोड हैं वो चार उनमें आ गए हैं, कोड्स में आ गए हैं। तो जो हमारा ये कॉम्पनसेशन है वो सोशल सिक्योरिटी है, क्योंकि देखो जो ऑब्जेक्टिव है ना हमारे एक्ट का वो भी यही है, टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी टू द वर्कमैन। जब वो काम कर रहा है तो उसको ये मुआवजा, अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके घर वालों को मिलना ही चाहिए, राइट। तो इसमें ये क्या है, 72 से 99। तो इस एक्ट में क्या है, कोड में खास बात ये मैंने क्यों बताया आपको यहाँ पे, कि ये जो कैपिंग है ना ये हटा दी गई है। यानी बस ऐसे कैलकुलेट करो, कैपिंग लगाने की जूती है, जितना भी मैक्सिमम हो जाएगा हो जाएगा, मिनिमम देना ज़रूरी है। और ये जो रेलिवेंट फैक्टर ना, इट इज़ आप देखना लिस्ट पीछे शेड्यूल में, मैक्सिमम 230 है, लेकिन वो यंगेस्ट पर्सन के लिए है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी रेलिवेंट फैक्टर कम होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, अर्निंग कैपेसिटी एज बढ़ने के साथ घट रही होती है, लेकिन एक जो जवान बंदा, मान लो 16-18 साल का एक कोई पर्सन है, उसका लॉस अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसको कोई डिसेबलमेंट हो जाती है, तो उसका लॉस, या डेथ के केस की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है, फैमिली को बहुत ज़्यादा है, तो उसके डिपेंडेंट्स को बहुत ज़्यादा है। अगर वो एज पर्सन है, मान लो वो 50 ईयर ओल्ड है, तो लॉस है, बट उसने बहुत सारी लाइफ अपनी अर्निंग करी और वो था, बहुत कम टाइम बचा था उसके काम का, तो रेलेवेंट फैक्टर इस हिसाब से एक लिस्ट बनी हुई है, वो आप देखना एज के अकॉर्डिंग। सो ये टाइम ऑफ बर्थ से लेके और जो एज है ना उसके हिसाब से कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो एक सिचुएशन तो ये होगी, एक दूसरी सिचुएशन क्या है, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। सेकंड क्या है, परमानेंट डिसेबिलिटी, ठीक है। परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में क्या होगा, जैसे डेथ के केस में ये 50% है, यहाँ है ये 60% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर, और यहाँ जो अपर कैपिंग है वो 1,40,000 रुपीज़ है, जो कि मैंने अगेन बता रही हूँ सोशल सिक्योरिटी कोड में ये हटा दी गई है, मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो एक थर्ड है वो क्या होगा, यहाँ पे परमानेंट टोटल है भाई, पहले ये टोटल ऐड कर लो, है ना, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, या हम इसको लिख ही देते हैं डिसेबलमेंट, ओके। एक तो ये है, उसके बाद है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, ठीक है। परमानेंट पार्शियल का मतलब क्या है, टोटल का मतलब टोटल लॉस हो गया है अर्निंग कैपेसिटी का, वो अब कमा नहीं सकता, काम नहीं कर सकता किसी भी एम्प्लॉयमेंट में। पार्शियल का मतलब होता है पार्शियली इनकैपेबल हुआ है, फुल्ली नहीं हुआ है। तो पार्शियल के केस में क्या है, दो क्लास है यहाँ पे, एक क्लास है इफ़ इंजरी इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू, ठीक है, अगर उसमें इंजरी बता रखी है, या इफ़ नॉट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। अब वहाँ देखना शेड्यूल में कि अगर एक आँख का लॉस हो जाए, मान लो दोनों आँखों का लॉस हो जाए, तो आपकी सीइंग कैपेसिटी ख़त्म बिल्कुल, राइट, आपको दोनों कानों से बिल्कुल सुनना बंद हो जाए, है ना, तो आपकी हेयरिंग कैपेसिटी ख़त्म। लेकिन अगर एक आँख ख़राब हो जाए और एक ठीक हो जाए, तो पार्शियल डिसेबिलिटी है ना, तो वहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर एक आँख लॉस है तो 40% है, 1 ईयर हेयरिंग लॉस है तो कितना परसेंट है, आपकी जो एक उंगली, मान लो उंगली कटी, थंब भी कटा, हैंड इज़ इंटैक्ट बट सम पोर्शन में भी डिसेबिलिटी हो गई, तो कैसे परसेंटेज बता रखी है। तो अगर स्पेसिफाइड है तो जो परसेंटेज बता रखी है, परसेंट जो है मान लो 40% है, तो ये जो परसेंट है ना कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन टू ये, इन प्रोपोर्शन टू परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, क्योंकि अगर हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट को 100% मान रहे हैं, ख़त्म हो गया ना 100%, वो ऑर्गन काम करना बंद कर दिया, हाथ हैं, लिम्स मान लो कट ही गया तो ख़त्म,
लेकिन यहाँ पे पार्शल है, पार्शल का मतलब कुछ परसेंटेज है, उस 100 का 40% लॉस हुआ, 100 नहीं हुआ, तो 100 के लिए अगर ये मुआवजा है तो 40 के लिए कितना होगा, ऐसे प्रोपोर्शन में कैलकुलेट होगा, ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, यानी इंजरी की टाइप उस लिस्ट में नहीं है मान लो, तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो मेडिकल एग्जामिन करके ये बताएंगे कि व्हाट परसेंटेज यू नो ऑफ इंजरी जो कि डिसेबल हो गया, यानी हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, इट विल बी डिसाइडेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो बता देगा। और वो जितनी भी मान लो उसने कैलकुलेट करके 30% बता दिया किसी भी ऑर्गन में ये इंजरी हो गई है, तो 30% ऑफ दिस परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के फॉर्मूले को लगा के कैलकुलेट कर लिया जाएगा, ठीक है। तीन टाइप की इंजरी पता चल गई, अब एक चौथी टाइप की इंजरी मैं यहाँ बता रही हूँ। सेक्शन फोर में द फोर्थ टाइप की जो इंजरी है वो क्या है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट। अब टेम्परेरी डिसेबलमेंट का मतलब क्या है, कुछ ऐसी इंजरी हुई है कि जैसे फ्रैक्चर हो गया, अब फ्रैक्चर रिकवर होने में मे भी 6 महीने लगेंगे, बट हो जाएगा पर्सन, राइट। मान लो हेड इंजरी हो गई, स्टिचेस वगैरह आ गए, मगर वो 2 महीने में रिकवर हो गया, तो टेम्परेरी इंजरी इज़ नॉट ए परमानेंट टाइप, नॉट पार्शल फुल्ली, वो तो अलग है कैटेगरी, ये है टेम्परेरी। तो जो टेम्परेरी डिसेबलमेंट होती है ना, उसके लिए सिंपल रूल ये है कि हाफ मंथली वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। हाफ मंथली पेमेंट हम कह सकते हैं, हाफ मंथली पेमेंट ऑफ 25% ऑफ वेजेस, ठीक है। तो यानी वेजेस का 25% दिया जाएगा हाफ मंथली बेसिस पे। और इसी में सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 आगे क्या बता रहा है फर्दर, कि ये जो हाफ मंथली वेजेस पेमेंट है ना, ये कैसे दी जाएगी, और ये जो 25% है ये बता रखा है कि कुछ ड्यूरेशन तक अगर इंजरी और लास्ट लॉन्ग रहती है तो ये परसेंटेज 25 से हाफ भी करी जा सकती है, हाफ ऑफ द मंथली वेजेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक जनरल रूल है, और ये जो हाफ मंथली पेमेंट है ना, ये 16th जो डे है ना ऑफ मंथ उसको पे होनी चाहिए, राइट। लेकिन ये जो 16th डे है ये कैसे कैलकुलेट होगा, कि अगर ये जो डिसेबलमेंट है टेम्परेरी डिसेबलमेंट, या जो हम डिसेबलमेंट हम इसको इंजरी कह सकते हैं ना, जो इंजरी हुई है टेम्परेरी टाइप की, अगर ये इंजरी यहाँ पे 28 डेज को एक बेंचमार्क ले लिया, ठीक है, अगर ये इंजरी 20 डेज से कम है या ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है या कम है, अगर वो इंजरी 20 डेज से लेस है तो क्या लिखेंगे, लास्ट लेस देन 28 डेज, अगर वो 28 डेज से कम में ठीक हो जाता है तो 16th डे जो है ना वो कौन सा माना जाएगा, एक 3 डेज हमने पहले किया था कि अगर इंजरी 3 दिन तक रहती है तो वो क्या माना जाएगा, कि वो पर्सन को इंजरी हुई ही नहीं। तो यहाँ पे अगर 28 डे से लेस है तो जो काउंटिंग पीरियड है वो 3rd डे से 16th डे स्टार्ट होगा काउंट होना, यानी 3 दिन वेटिंग पीरियड, फिर उस 3 दिन के बाद जो अगला 16th डे आएगा ना उसमें कंपनसेशन पी की जाएगी। लेकिन इफ़ इट इज़ मोर देन रहती है तो 16th डे, सिंप्लिसिटर 16th डे को जो हाफ मंथली यानी पेमेंट करी जाएगी 25% ऑफ द वेजेस की, वो कर दी जाएगी। ये सिंपल सा वो है पेमेंट का तरीका। तो ये जो 4 सेक्शन है ये पता चल गया कि 4 टाइप ऑफ इंजरीज हमने डिस्कस करी हैं, एंड हाउ द पेमेंट विल बी डन, कैसे कैलकुलेशन होगा कंपनसेशन का। नाउ सेक्शन 4A इज ऑल्सो देयर। सेक्शन 4A क्या कह रहा है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, राइट, क्योंकि पेमेंट का अगर डिफॉल्ट होता है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, व्हेन पेमेंट इज ड्यू एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देना चाहिए, इधर बाय हिमसेल्फ ही एक्सेप्ट कि भाई ठीक है मेरे प्रीमाइसेस में और मेरे काम करने के दौरान एम्प्लॉय को इंजरी हो गई है तो आई एम लायबल एंड आई विल पे, बट ही विल नॉट पे, या कमिश्नर डिसाइड कर रहा है कि पे दिस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बट ही इज़ नॉट पेइंग, तो अगर वो ड्यू हो जाती है
तो सिंपल रूल क्या है, कब देना चाहिए? पहला क्वेश्चन तो ये है कि पेमेंट कब देना चाहिए? एज सून एज पॉसिबल, जब कमिश्नर डिसाइड किया तब से शुरू कर दो। बट वन मंथ का जो पीरियड है उसके बाद ड्यू होना शुरू हो जाता है। अगर एक महीना हो गया और नहीं दे रहा तो क्या है, वो ड्यू माना जाएगा। अगर ड्यू हो जाता है तो जो भी एरियर हैं, राइट, एरियर प्लस 12% ऑफ इंटरेस्ट, ये दे दिया जाएगा। कमिश्नर क्या करेगा, 12% ऑफ इंटरेस्ट लगा देगा। ये इंटरेस्ट अगर लगे के सफिशिएंट रीज़न इज़ देयर, किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए। अगर कोई सफिशिएंट रीज़न है, एम्प्लॉयर क्यों नहीं जमा करा पाया, अगर कोई वैलिड सफिशिएंट रीज़न है तो कमिश्नर इंटरेस्ट हटा सकता है, वो कहेगा खाली एरियर दे दो। बट अगर कमिश्नर को लगता है कि ये एरियर जो ड्यू चल रहे हैं, इट इज़ द विलफुल नेग्लेक्ट और डिफॉल्ट ऑफ एम्प्लॉयर, और सर्टन सिचुएशन उसको ये लगती है कि एम्प्लॉयर का डिफॉल्ट इस लेवल का है, तो वो एरियर प्लस में 12% ऑफ इंटरेस्ट प्लस में ए अमाउंट इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ पेमेंट ड्यू, ये अमाउंट भी उस पर लगा सकती है। इसका मतलब है कमिश्नर क्या करेगा, स्पेशल सर्कमस्टांसिस में जहाँ पे उसको, तो देखो दो हो गई, अगर सफिशिएंट रीज़न है नॉन पेमेंट का एम्प्लॉयर के पास, तो वो इंटरेस्ट भी हटा सकता है, सिर्फ एरियर पे करने के लिए कहेगा। बट अगर उसको ये लगता है कि एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट किया विलफुली, समथिंग ऐसा है जो कि एग्जाम्पलीफाई करता है डिफॉल्ट ऑफ एम्प्लॉयर को, तो वहाँ पे 50 टाइम्स जो अमाउंट है ना, उतना मुआवजा बढ़ा के और दे सकता है, एरियर प्लस में इंटरेस्ट प्लस में ये ऐड, ठीक है। तो 4A सेक्शन हमारा ये कह रहा है। नाउ देखिए, हमने मुआवजा पढ़ लिया, राइट, द कंपनसेशन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि भाई हम कंपनसेशन को कैलकुलेशन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब फैटल एक्सीडेंट हो जाता है कैसे कैलकुलेशन होगा, कहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी और कैसे होगी? तो जो सेक्शन 10 है ना, सेक्शन 10, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नोटिसेस एंड क्लेम, ये जितनी अमेंडमेंट है ना जो मेजर हुए वो 2010 में 9-10 का एक्ट आ जाता, उसके बाद 2017 में हुई थी, ठीक है, और उससे पहले भी हुई थी, लेकिन मेन जो अमेंडमेंट हुई 2017 की भी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज किया गया। तो नोटिसेस एंड क्लेम्स जो है ना, सेक्शन 10 तो क्या है, लायबिलिटी फिक्स कर रहा है एम्प्लॉय के ऊपर, ठीक है, एम्प्लॉय, फिर 10A(b) है और 10BB है, ये इन डिटेल में बताऊंगी, लेकिन एक यहाँ पे ओवरव्यू लीजिए कि 10A है ना, वो कमिश्नर की लायबिलिटी फिक्स कर रहा है, कि कमिश्नर को भी तो पता होना चाहिए ना कि उसके एरिया में कोई ऐसी प्रमाइसिस में कोई एस्टेब्लिशमेंट है, कोई फैक्ट्री है, माइन है, ऑयल फील्ड है, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी ऐसी हो रही है जहाँ पे एम्प्लॉई हैं और इस एक्ट के अंडर आ रहे हैं, और वहाँ पे कोई ऐसा सीरियस फैटल या कुछ इंजरी हो रही है, डेथ हो रही है किसी एम्प्लॉय की, तो ये उसका भी दायित्व है कि वो संज्ञान में ले, वो प्रोसेस को स्टार्ट करे, इफ अदर इज़ नॉट स्टार्टिंग। और 10B जो है वो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी भी फिक्स कर रहा है कि इट इज़ नॉट ओनली द एम्प्लॉई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू यू नो क्लेम द कंपनसेशन, कि वो बताए मेरे को इंजरी होगी, एम्प्लॉयर की प्रोमाइसिस में, एम्प्लॉयमेंट में कोई इंजरी हो रही है, कोई सीरियस ऐसा हो गया है हादसा जिसमें या तो डेथ हो गई है या सीरियस इंजरी हो गई, तो ये उसकी भी ड्यूटी बनती है ना कि वो इन्फॉर्म करे कमिश्नर को। कमिश्नर की ड्यूटी बनती है एम्प्लॉयर से पूछे, एम्प्लॉय की ड्यूटी है अपने साथ हुए हादसे की जानकारी दे और मुआवजा क्लेम करे। तो इसका मतलब क्या है, एक होलिस्टिक सा चीज़ हो गई ना, पहले क्या था सिर्फ एम्प्लॉय का है, और अगर एम्प्लॉय नेगलेक्ट हो गया, एम्प्लॉय इलिटरेट है, एम्प्लॉय डर गया, एम्प्लॉय एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और उसके घर वाले डिपेंडेंट माइनर हैं, तो नोबडी इज़ देयर, ट्रेड यूनियंस आर देयर बट मे बी वो किसी तरीके से रह जाए, तो हु विल यू नो, और फिर टाइम बार हो जाए, मान लो अब हमने टाइम दे रखा है 10 में कि 2 साल तक बता दो, और 2 साल तक वो मान लो पर्सन है वो इतना डिसेबल हो गया कि वो बेड रिडन है एंड वो भूल ही गए कि प्रोसेस स्टार्ट करनी है, तो क्या नहीं मिलेगा मुआवजा? तो इसीलिए तो एम्प्लॉय की जो ड्यूटी वो क्या बनती है, 10A सिंपली क्या कह रहा है कि अगर हम एक्सीडेंट या इंजरी की बात करें तो एज सून एज पॉसिबल, यानी जैसे ही इंजरी हुई
आप नोटिस दो ऑफ क्लेम्स, यानी आप बताओ हादसा हो गया, नोटिस तो दोगे ना, किसको दोगे, एम्प्लॉयर को दोगे, तो एम्प्लॉय की क्या ड्यूटी बनती है, एज सून एज पॉसिबल जैसे ही कोई इंजरी होती है ड्यू टू द एक्सीडेंट, ही हैज़ टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर रिगार्डिंग द इंजरीज, व्हाट हैज़ हैपन टू हिम, और क्या अब उसका क्लेम बन रहा है, वो क्या चाह रहा है वो बताए, ठीक है। अब ये जो नोटिस है, अगर एक्सीडेंट और इंजरीज की क्लेम में तो सिंपलीसिटर है, लेकिन फिर भी दे रखा है अप टू 2 ईयर, मैक्सिमम लिमिट 2 ईयर फिक्स कर दी। साथ में ये ऑक्यूपेशनल डिजीज का भी बता रहा है कि ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या है, तो भाई 5 प्रोविसो हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये मैं आपको थ्योरेटिकली बता देती हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज के केस में क्या होता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉई कि वो इन्फॉर्म करे, लेकिन ऑक्यूपेशनल डिजीज एक्सीडेंट की तरह नहीं है कि अभी अभी एक्सीडेंट हुआ, अभी अभी इंजरी हो गई तो दिख जाएगी। तो इसीलिए ऑक्यूपेशनल डिजीज के केस में ये जो 2 साल ही है लिमिट तो मैक्सिमम बताने की, लेकिन कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे हम एक जनरल ऑक्यूपेशनल डिजीज में क्या कर सकते हैं, 3 सिचुएशन हो सकती हैं। नंबर 1, ऑक्यूपेशनल डिजीज के सिम्टम्स आ गए एंड जो एम्प्लॉई है ना वो काम से एब्सेंट हो गया, एब्सेंट फ्रॉम वर्क, ठीक है, उसको कुछ ऐसा हो गया, उसने काम पे आना बंद कर दिया, तो ये 2 साल का पीरियड कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डे ही इज एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी, एब्सेंट फ्रॉम द वर्क और ड्यूटी, राइट, जब से वो एब्सेंट हो गया है। और वो एब्सेंट हो गया है तो इट इज़ काइंड ऑफ नोटिस ऑल्सो कि वो नहीं आ रहा, तो एम्प्लॉय पूछेगा ना क्यों नहीं आ रहा, तो पता चलेगा उसको डिजीज़ हो गई। और इसके लिए भी अगर वो नहीं भी पता चल रहा तो 2 ईयर्स का मैक्सिमम टाइम पीरियड है। तो ये कैलकुलेट कहाँ से होगा, फ्रॉम द डे ही इज़ एब्सेंट। अब वो कह रहे कि वो तो हो गए सिम्टम बट नॉट एब्सेंट, मतलब वो आए जा रहा है लेकिन उसको सिम्टम है, उसको पता चल रहा है कि मुझे कोई डिजीज़ हो गई, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉई टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयर, उसको नोटिस देगा ना, इन्फॉर्म तो करेगा ना कि दो आई एम नॉट डिसेबल्ड इनफ टू कम टू द वर्क बट मेरे सिम्टम्स हैं, मुझे डिजीज़ हो गई, तो इसका नोटिस उसको एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। थर्ड सिचुएशन क्या है, ये जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है ना, इनके सिम्टम अराइज हुए आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट, यानी उसने नौकरी छोड़ दी, वो छोड़ के चला गया, और जाने के बाद उसको कभी किसी टाइम पीरियड में सिम्टम हुए, तो ये जो 2 साल का मैक्सिमम टाइम पीरियड है ये कहाँ से शुरू होगा, जब उसको सिम्टम्स अपीयर हुए। तो नोटिस देने कब बनेगा, जैसे ही सिम्टम हुए, ही हैज़ टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर, तो उस एम्प्लॉयर को बताएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट से जा चुका है, मे भी निकाला जा चुका, चला गया, यानी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई, उसके बाद सिम्टम अराइज हुए। तो ये क्या ड्यूटी है ऑक्यूपेशनल की, ये 3 प्रोविसोज जो हमारे बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं इन प्रोविजंस को। उसके अलावा जो सेंटर जो नोटिस है, मान लो नोटिस इसका है इंजरी का, तो नोटिस देना ज़रूरी है, लेकिन मान लो प्रॉपर नोटिस नहीं दिया या नोटिस रह गया, तो 2 सूरत में नोटिस जो है वो एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट का मतलब है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर नोटिस नहीं दिया तो। किस सूरत में, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ये हो गया क्लियर। इफ नो नोटिस और इम्प्रॉपर नोटिस, ऐसा कुछ हो जाता है ये सिचुएशन, तो 2 सिचुएशन बता रखे जिनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नोटिस दिया या नहीं दिया। एक तो अगर जो ये एक्सीडेंट हुआ है ना, इंजरी और डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट टेक प्लेस विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
जो भी वो फैक्ट्री है, माइन है, जो भी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी प्रिमाइसिस में अगर कोई इंजरी हुई है या डेथ हो गई है, एंड इन केस ऑफ इंजरी एंड डेथ मे बी टेकन प्लेस, द पर्सन इंजर्ड हैज़ नॉट लेफ्ट द विसिनिटी ऑफ द एरिया, वो कहीं नहीं गया, उसको इंजरी वहीं हुई, तो एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए। यहाँ एम्प्लॉयर का मतलब है एनी मैनेजर, एनी पर्सन हु हैज़ कंट्रोल, जो देखभाल करता उस प्रोसेस की, वो सुपरवाइज़र हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, उसका कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, या कोई अदर पर्सन होता है जो उस काम की सुपरविज़न के लिए और कंट्रोल में रखा गया है। मे बी द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ इज़ नॉट देयर। तो एक तो इस सूरत में कि वहाँ पे इंजरी डेथ हुई है एंड वो उसी प्रिमाइसिस में हुई है एंड द पर्सन इज़ नॉट यू नो लीव द विसिनिटी ऑफ द एरिया। सेकेंड क्या है, ये जो एम्प्लॉयर है, जो मैंने अभी लिस्ट बताई है, मैनेजर है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कोई भी सुपरवाइज़र हो सकता है, एनी पर्सन हु हैज़ पावर एंड कंट्रोल ओवर द प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट, तो उसको हैज़ इंफॉर्मेशन। अब उसको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, कहीं से भी मिली हो, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन हो कि उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट में है ना, ऐसा कुछ हो गया है। तो अगर ये दो चीज़ फैक्टर्स हैं, मतलब या तो वहीं पे हुआ और एम्प्लॉयर को पता है, या एम्प्लॉयर को वहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं भी है मान लो, और वो जो जो इंजरी हुई है वो मान लो आउट ऑफ प्रमाइसिस है, जस्ट गेट के बाहर, तो भी जो एम्प्लॉयर है उसको पता चल गया अगर, तो नोटिस अगर प्रॉपर नहीं है या नोटिस रह गया है, इनकरेक्ट हो गया है बेसिकली, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा एक और प्रोविज़न है कि कमिश्नर अगर सफिशिएंट रीज़न देखता है, कोज पता है, तो वो इसको ओवरलुक कर सकता है। इफ़ नो नोटिस और इम्प्रॉपर नोटिस इज़ देयर, कमिश्नर कैन एग्जम्प्ट दैट पर्सन एंड उसको इस ना देने को भी वो करा जा सकता है, कंसीडर कर सकता है कि इट्स ओके, सम सफिशिएंट रीज़न इज़ देयर। तो ये तो है नोटिसेस एंड क्लेम जो देने चाहिए। और द लास्ट थिंग कि जब भी ये नोटिस दिया जाएगा उसमें बताया क्या जाएगा, ऑब्वियसली नेम ऑफ वर्कर होना चाहिए, टाइप ऑफ इंजरी होनी चाहिए, एक्सीडेंट कैसे हुआ थोड़ा डिटेलिंग होनी चाहिए, कहाँ पे हुआ ये पता होना चाहिए, एंड द क्लेम्स स्पेसिफिकली क्या क्लेम्स हैं वो उसमें बताए जाने चाहिए। तो नोटिस दिया जाएगा टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को देना चाहिए, जहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं है वहाँ पे उसके जो भी ये अदर पर्सन है जो हु आर यू नो द प्रोसेसेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसको दे दो। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऑक्यूपेशन के लिए ये मैंडेटरी कर रखा है कि उनके वहाँ पे एक नोटिस बुक होनी चाहिए जो इंजरीज को, इफ जो फैटल और हजार्डस टाइप ऑफ होती है ना, वहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन करना मैंडेटरी है फॉर द एम्प्लॉयर, ताकि अगर कोई इंजरी होती है तो जो वर्कमैन है ना उस में नोटिस कर दे। और इन सच केस जहाँ पे ऐसा कोई रजिस्टर या नोटिस बुक है, कोई बुक है, रिकॉर्ड है फॉर द एंट्री ऑफ द इंजरीज और डिटेलिंग, तो वहाँ पे नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे एम्प्लॉई ने सारी डिटेलिंग मेंशन कर दी है तो इट इज़ द नोटिस टू द एम्प्लॉयर, क्योंकि वही प्रोवाइडेड है। तो ये है नोटिस एंड क्लेम बाय द एम्प्लॉई। नाउ कम टू दैट पार्ट। सी देखो क्या होता है कि अब हमने ऑक्यूपेशनल डिजीज पढ़ी, इंजरीज पढ़ ली, जब भी कोई फैटल एक्सीडेंट होता है, क्योंकि ये इन केस ऑफ फैटल एक्सीडेंट है, ठीक है, फैटल एक्सीडेंट्स, कई बार आपने ये भी सुना होगा ना, इट इज़ नॉट कि कोई एक वर्कमैन है, कई बार इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं कि नंबर ऑफ वर्कमैन एक साथ इंजर्ड हो जाते हैं, डेथ हो जाती हैं। जैसे आपने अक्सर पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में, अक्सर न्यूज़ आती रहती हैं कि कहीं पे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया एंड बर्न इंजरीज से डेथ भी हो गई है और सीरियसली इंजर्ड हैं। कहीं कहीं पे आपने कंस्ट्रक्शन इनमें देखा होगा कि कोई कंपनी है वो मान लो यही काम करती है सीवरेज क्लीनिंग का, वहाँ पे उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो नॉक्सियस गैसेस से दम घुट के मर गए एंड नंबर ऑफ इंजरीज आर देयर। ओके, तो ऐसे जो फैटल एक्सीडेंट होते हैं तो ये कमिश्नर की भी तो ड्यूटी होती है ना, तो कमिश्नर एम्प्लॉयर को नोटिस भेजेगा कि विद इन 30 डेज, राइट, 30 डेज विद इन जो एम्प्लॉयर है वो रिप्लाई करे उसका, मतलब ये तो मैक्सिमम है 30 डेज, एज सून एज पॉसिबल वो नोटिस भेजेगा कि आप अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस बताइए कि आखिरकार ये जो इंजरीज हो गई हैं या डेथ हो गई है आपकी एस्टेब्लिशमेंट पे ड्यू टू द एक्सीडेंट, क्या तो इसके कारण है
अटेंडिंग फैक्टर्स क्या रहे, और क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि जो इंजरीज हुई हैं उसके लिए आप लायबल हो फॉर द कंपनसेशन। इफ सो तो एज सून एज पॉसिबल डिपॉजिट द कंपनसेशन टू द कमिश्नर, उसको जमा करा दो। लेकिन इन केस इफ़ यू आर नॉट, मान लो नोटिस के बाद कमिश्नर को पता चलता है कि एम्प्लॉयर इज़ डिनाइंग द लायबिलिटी, मान लो वो इनिशियली जो हमने करे थे कि जो फैक्टर्स कंपनसेशन को वो कर देते हैं, अगर वो चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा, और एम्प्लॉयर यही कह रहा है कि ये नेग्लिजेंटली इसने मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं मानी, ये नशे की हालत में था, या जब इंजरी लगी तो 3 दिन भी नहीं हुए, अभी तो 1 ही दिन हुआ, ये ठीक हो जाएगा शायद, तो इस तरह के अगर वो कोई एक्सक्यूज़ देता है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कमिश्नर कि वो, मान लो इन केस ऑफ डेथ है तो वो उनके डिपेंडेंट्स को इन्फॉर्म करें, इंजरी है तो एम्प्लॉय को पता लगेगा, डिपेंडेंट्स को खासकर अगर डेथ हो जाती है तो पता चलना चाहिए इन केस ऑफ डेथ कि यू आर हैविंग ए राइट टू क्लेम द कंपनसेशन, तो आप आओ और कंपनसेशन क्लेम करो, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर है ना उसके ऊपर क्या 10B में सेक्शन में जो ड्यूटी इम्पोज की है वो क्या कर रखी है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर कि अगर उसकी प्रेमाइसिस में कोई एक्सीडेंट हो गया है और उससे इधर डेथ हो गई है या सीरियस इंजरीज हो गई हैं, तो यहाँ पे जो सीरियस इंजरी है ना, ये जो सीरियस इंजरी है ये क्या है, जो हमने आपने IAPC में ग्रीवियस हर्ट पढ़ा ना, काइंड ऑफ सेम है, कोई मेजर आपका लिम्ब अफेक्ट हो गया, फ्रैक्चर्स हो गए हैं, कोई ऐसी इंजरी हो गई है कि 20 डेज से ज़्यादा आप एब्सेंट हो वर्क से, यानी आप एडमिट हो, रेस्ट की ज़रूरत है आपको, तो ये जो जो चीज़ है ना वो सीरियस इंजरी में आ जाते हैं, तो या तो डेथ हो जाए या सीरियस इंजरी हो जाए, तो जो एम्प्लॉयर है ना उसको विद इन सेवन डेज उसको कमिश्नर को बताना होता है रिगार्डिंग द एट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स या अटेंडिंग फैक्टर्स दैट लीड टू द एक्सीडेंट एंड हाउ ही इज लाइबल, वेदर लाइबल और नॉट, वो बताएगा कि ठीक है कंपनसेशन के लिए मैं तैयार हूँ, और अगर वो बता रहा है और तैयार है तो डिपॉजिट कर दो कंपनसेशन, राइट। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि अगर कंपनसेशन कम रह जाता है तो कमिश्नर की पावर है, कई बार ऐसा भी होता है ना, सीरियस इंजरी थी, एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है मेरा कंपनसेशन देने को मैं तैयार हूँ, तो उसने क्या करा, कंपनसेशन डिपॉजिट कर दिया, बट आफ्टर टाइम पीरियड वो पर्सन की डेथ हो गई, तो फिर वो कंपनसेशन बढ़ाना पड़ेगा फॉर द केस ऑफ डेथ। तो ये हम कमिश्नर की पावर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो जो लायबिलिटी फिक्स करने का पर्पज़ ये है कि जब भी कोई सीरियस फैटल एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे इधर सीरियस इंजरीज हैं या डेथ है एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयज़ की, तो इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय टू क्लेम द कंपनसेशन बाय गिविंग नोटिस टू एम्प्लॉयर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑल्सो टू इन्फॉर्म द कमिश्नर रिगार्डिंग सच एक्सीडेंट्स, राइट। And it is the duty of commissioner also when employer hide the fact and he come to know by himself, उसको information मिल गई कहीं से भी कि किसी factory में किसी जगह पर किसी employment में ऐसा कोई हादसा हुआ है, तो he can also ask from the employer regarding the circumstances कि attending circumstances क्या हैं, क्या injuries हुई हैं या death हुई हैं, and whether he is agree to pay compensation or not, ये सब वो उससे पूछेगा। तो एक देखो 3 वो हो गए ना सिस्टम ऑफ नो एक्सीडेंट इंजरीज का पता लगाने के लिए, मतलब हो गई हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई इंजरी होगी वो अंधेरे में हो जाएगी। और देखो जब 23 में ये एक्ट आया था ना तब इतनी ज़्यादा मीडिया नहीं था, तो हो भी जाती होंगी तो सच में पता नहीं चलता होगा। Nowadays सो मैनी चैनल्स आर देयर, फर्स्ट तो न्यूज़पेपर ही हैं, टीवी चैनल्स हैं हमारे पास, सोशल मीडियाज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर कोई भी हादसा होता है तो आ जाती खबरें। लेकिन कुछ ऐसे भी हादसे हैं जो पता ही नहीं चल पाते, वहाँ भी डेथ हो रही होती है। तो ये जो एक वो इम्पोज करी है ना ड्यूटी, कि सिर्फ इनकी ड्यूटी नहीं है, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर और कमिश्नर की भी ड्यूटी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाउ टू give the notices and the claims, right। इसके अलावा एक और छोटा सा सेक्शन मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज सेक्शन 11।
मेडिकल एग्जामिनेशन, ये पता है वैसे तो ये सिंपल सा सेक्शन है, लेकिन इसकी जो एक पक्यूलर सी बात है ना, जो बहुत अच्छी भी है, वो क्या है, इसलिए बताना वैसे भी ज़रूरी है। देखो, जब भी कोई इंजरी हो जाती है किसी भी पर्सन को, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पहली बार, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, विद इन 3 डेज। ऐसा नहीं है अगर 3 डेज में निकला है तो नहीं करेंगे, बट विद इन 3 डेज ऑब्वियस बात है आपको इंजरी होगी। और अगर मान लो ये सीरियस है तो 3 दिन तक थोड़ा ही ना घूमेगा बंदा, और ये तो डॉक्टर ही बताएगा ना क्या इंजरी है। या मान लो कोई इस तरह का हादसा हुआ है जिसमें सुपरफिशियली बॉडी पे कोई चोटों के निशान नहीं होते, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स में कोई चोटें लगी होती हैं, जो कि वही पता लगाएगा। कौन करेगा इसका मतलब? RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बाय, ठीक है, RMP कर देगा इसका एग्जामिनेशन। ये तो एक चीज़ है कि यानी कि एम्प्लॉय की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने आप को सबमिट करे फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड इट इज़ ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑल्सो कि वो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एक तो ये बात होगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है, नॉट सबमिटेड हिमसेल्फ, किसके लिए? मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो सबमिट ही ना करे। दूसरी बात क्या हो सकती है, आ गया मान लो कम फॉर एग्जामिनेशन बट रेजिस्ट, वो रेजिस्ट ही कर रहा है, एग्जामिनेशन कर ही नहीं रहा, और लेफ्ट विदाउट एग्जामिनेशन, तो ये 2-3 सिचुएशन हो सकती है ना, आ ही नहीं रहा एग्जामिनेशन कराने, आ गया था मगर करवा नहीं रहा, शुरू हो गया था लेकिन चला गया बीच में ही या स्टार्टिंग में ही, उल लेफ्ट हो गया। तो इन सारी सिचुएशन में एक बार को तो आपको देखने में लगेगा, फिर तो एम्प्लॉयर क्यों लायबल है, एम्प्लॉयर तो अपना पल्ला झाड़ देगा कि इफ़ ही इज़ नॉट सबमिटिंग द हिमसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन तो आई विल नॉट पे द कंपनसेशन। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो कंपनसेशन का राइट है ना, वो सस्पेंड होएगा टिल एग्जामिनेशन नहीं करवाएगा तो, यानी सस्पेंडेड रहेगा। ये नहीं है कि नहीं कराया तो अब ख़त्म, जाओ कहीं और अपना करा लो और जाके वापस आओ, दिखती, ठीक है, तो वो अपने एग्जामिन तो सस्पेंड रहेगा। लेकिन मान लो जब भी वो आके करा लेगा 3 दिन के बाद, जब भी वो आके करा लेगा, एग्जामिनेशन होने के बाद उसको कंपनसेशन पे हो जाएगा, राइट। तो ये तो सारी प्रोविज़न कहती है सस्पेंडेड रहेगा, बट एम्प्लॉय इफ़ डाइड बिना एग्जामिनेशन कराए, उसकी डेथ ही हो गई, तो क्या होगा, जो कंपनसेशन है ना, शैल बी पेड टू द डिपेंडेंट्स। अब देखो यहाँ पे शैल भी आ गया, इसका मतलब क्या है, कंपनसेशन सस्पेंडेड रहेगा टिल एम्प्लॉय जिंदा है और एग्जामिनेशन नहीं करा रहा है, जब करा लेगा कंपनसेशन दे दिया जाएगा, बट अगर मीन टाइम विदाउट एग्जामिनेशन उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनसेशन कैंसिल आउट नहीं होगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, इट शैल बी पेड टू द डिपेंडेंट्स, क्योंकि जो डेथ है ना वो ड्यू टू इंजरी ही हुई है, और इंजरी ऐसी रही होगी कि डेथ कॉज हो गई, तो इट इज़ ए रिमार्केबल थिंग कि जो कंपनसेशन है वो डिनाई नहीं होता, ठीक है डियर स्टूडेंट। अभी देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसमें जो कमिश्नर और अपील का जो पोर्शन बचा है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वर्कमैन कंपनसेशन और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट की जो बेसिक प्रोविज़न हमने करी, ठीक है, सेक्शन 3, 4, 11, 10, इसमें 8 भी रह गया है डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन मैं बताऊंगी कमिश्नर के साथ ही, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करता है कमिश्नर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, फॉर नाउ इट्स यू नो एंड ऑफ द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, इफ एनी क्वेश्चन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एनीथिंग यू रिक्वायर और वॉन्ट टू आस्क पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, टिल देन बाय बाय।